देवादि देव एक हजार आठ पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जय चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। जय जय श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय 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 बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय मुनि श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय। जय जय मुनि संघ की जय। जय जय प्रिय बंधुओं तीर्थराज सम्मेलन शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़ी हुई उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं यह कार्यक्रम अपन प्रारंभ करें उसके पूर्व मुनि संघ के चरणों में अपन चलते हैं मंगल आशीर्वाद की भावना लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं आपको विदित ही है कि सम्मे शिखर की तलहटी गुणायतन में यह निर्माण का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है जिसमें अनेक लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा आप भी इससे जुड़ करके अपने जीवन को उत्कर्ष बनाएं। आज निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है ऐसे श्रीमती नीता जी सौगानी धर्मपत्नी स्वर्गीय विमल जी सौगानी इंदौर से मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट इनके दान की अनुमोदना में जरूर बजनी चाहिए। श्रीमती चंद्रकला देवी जी सेठी रांची से श्री नवीन कुमार जी जैन दिल्ली से श्रीमती दिव्य प्रभा साह माडवी सूरत से और श्री संभव जी जैन गाजियाबाद से जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। वहीं स्वर्ण दान में जिन्होंने यहाँ पर श्रीमती शांति जी जैन मुजफ्फरनगर से इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बंधुओं यह जो पंचायतन शैली का जिनालय बन रहा है उस जिनालय में जो स्वर्ण का काम होना है चाहे वो वेदियों में होवे या कि शिखर में होवे कलसे में होवे उसके लिए लोगों ने स्वर्ण दान दे करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। मैं उनके नामों की उद्घोषणा अवश्य करना चाहूंगा और आपसे पुनः अपेक्षा करूंगा कि आप उनकी दान की अनुमोदना हर्ष ध्वनि से कीजिएगा। तो श्रीमती कुसुमलता जी जैन राजीव जी संजीव जी अभिषेक जी संभव जी एकांश जी मोनिका हेमलता जी रिया जैन पटेल नगर दिल्ली से इन्होंने सोने के कान के बाले समर्पित किए हैं। वहीं श्री मनोज कुमार जी साधना जी पारस जैन जयपुर आगरा से इन्होंने अपनी स्वर्ण की अंगूठी समर्पित की है। वहीं श्रीमती मंजुलता जैन वंटी जैन बनारस इटावा सोने की अंगूठी इन्होंने समर्पित की है। राजेश जी जैन संध्या जैन रिसांक जी जैन अलीगंज इटानगर इन्होंने भी सोने की अंगूठी समर्पित की है। श्रीमती साधना राकेश जी जैन राजा बलेहरा से इन्होंने भी अंगूठी समर्पित की है और मेरठ से गुप्त दान के रूप में इन्होंने सोने की अंगूठी समर्पित की है। जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करता हूँ बंधुओं। बंधुओं वहीं आज हमारे बीच में लीजिए। तो बंधुओं अपन ये कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व में मैं चाहूंगा महाराज जी के चरणों में चलिए। तो बंधुओं आज जिन्होंने अपने आप को निर्माण मित्र के रूप में जोड़ा है मैं बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ श्री जे के जैन श्रीमती स्नेह लता जी जैन स्मृति जी साक्षी जी साकेत ज्योत्सना जैन सागर से जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करते मैं निवेदन करता हूँ मंच की पर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में सुरेश जी आशा जी विनायका अब हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूँ कि आए और इनका अभिनंदन करेंगे श्रीमती आशा जी विनायका सुरेश जी कृपया आइएगा इनका अभिनंदन करेंगे। वहीं मैं निवेदन करूंगा तैयार रहेंगे जो कि निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं उनका सम्मान लेने के लिए यहाँ पर श्री मेरठ से निर्माण निधि से निर्माण मित्र में गुप्त दान में है चलिए इनके लिए जोरदार ताली बजा करके उनका हम बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं आए और विनायका जी से निवेदन करता हूँ इनका अभिनंदन करेंगे। वहीं बंधुओं आज जो निर्माण नायक के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है निर्माण नायक के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है आज वो यहाँ पर प्रत्यक्ष में नहीं है पर आप टीवी में उनकी फोटो भी देख सकते हैं कि वास्तव में जिन्होंने यहाँ ना होकर के भी अपने आप को जोड़ा ऐसे निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं ऐसे श्रीमती शांति देवी जी पाटनी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी पाटनी सुरेश जी विजय जी अमित जी जैन इम्फाल निवासी जयपुर प्रवासी जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका
जो कि निर्वाण नायक के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है, बहुत 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 इनका अभिनंदन करते हैं। वही बंधुओं, सूत्रधार से निर्वाण नायक के रूप में जो आए हैं ऐसे श्री सुरेंद्र कुमार जी, शांतिलाल जी शाह, शीतल जी, पंकज जी, रामावत, राजेश जी, रीना जी शाह, हार्दिक जैन, हर्षित जैन शाह मुंबई से हमारे बीच में है। मैं निवेदन कर रहा हूं अगर वो यहाँ है तो उपस्थित हो, जोरदार ताली बजा करके उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और आज राजस्थान से जिन्होंने अपने आप को ट्रस्टी के रूप में जोड़ा है बंधुओं, मैं बड़े सम्मान के साथ उनको यहाँ पर बुलाता हूँ। संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं ऐसे श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, श्रीमती प्रीति जैन, अक्षत जैन, आर्जव जैन, श्री प्लास्टिक दिल्ली अगर यहाँ पर है तो मैं निवेदन करता हूँ कृपया मंच के ऊपर आए और जोरदार अच्छा आने वाले हैं। चलिए वही बंधुओं जिन्होंने सूत्रधार से अपने आप को ट्रस्टी के रूप में जोड़ लिया है, पंकज जी जैन, अमित जी जैन, रीना जैन, सविता जैन, रवि जैन दिल्ली, ये भी आने वाले हैं। जोरदार ताली तो बजाकर अभिनंदन करें। और आज यहाँ पर उपस्थित हैं जो श्री नागरमल जी, सुशीला देवी जी पहाड़िया, श्री पवन कुमार जी, ज्योत्सना देवी जी पहाड़िया, देवांग जी, प्रिया जी पहाड़िया, फतेहपुर शेखावटी राजस्थान से यहाँ पर उपस्थित हैं क्या? मैं निवेदन करता हूं अगर है तो कृपया मंच के ऊपर आए। अच्छा, इनके बहुत बढ़िया, मैं निवेदन करता हूं आज यहां उपस्थित नहीं पर उनको आप देख सकते हैं, नागरमल जी, सुशीला देवी जी का ये पूरा का पूरा परिवार है, दूर रह करके भी जिन्होंने अपने आप को ट्रस्टी के रूप में जोड़ा है, बहुत 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 उनको अभिनंदन करते हैं बंधुओं। वहीं आज जिन्होंने 51,000 रुपए की नगद राशि और एक अंगूठी भी समर्पित की है ऐसे श्रीमती शकुनलता देवी जी जैन, श्री धर्मपत्नी वाइफ ऑफ श्री धर्मपाल जी जैन, नागरमल जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ कृपया मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियों के साथ हम इनको बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। नगद 51,000 रुपए की राशि और एक अंगूठी भी जिन्होंने स्वर्णदान में समर्पित की है वो परिवार अगर यहाँ उपस्थित है तो मैं निवेदन करता हूँ एक बार मंच के ऊपर आए, अति शीघ्र यहाँ पर आ जाए, बहुत 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 उनका अभिनंदन। बंधुओं, आज जिन्होंने अपने आप को ट्रस्टी के रूप में तो जुड़े हुए थे उन्हें हम बुलाते हैं। आप आ रहे हैं क्या? शकुनलता अति शीघ्र यहां पर पहुंचे, या जब तक वो पहुंचते हैं मैं पूज्य मैं विजेंद्र जी सेठी जी से निवेदन करता हूं यहां पर उपस्थित, कृपया आए और हमारे आगंतुक इन नए दानदाताओं का अभिनंदन करेंगे। मैं विजेंद्र जी से निवेदन करता हूं, विजेंद्र जी सेठी कृपया आइएगा और इनका अभिनंदन करेंगे, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। मैं ऐसी मां से निवेदन करता हूं, धन्य है ऐसा परिवार जो अपने आप को त्याग के क्षेत्र में आगे ला रहा है और अपने बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार दे रहे हैं, और होना भी यही चाहिए बंधुओं, त्याग से ये सारी दुनिया टिकी हुई है। आए पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंच रहे हैं ये शकुनलता देवी जी का परिवार, धर्मपत्नी श्री धर्मपाल जी, नागरमल जी, नारनौल, बहुत बढ़िया ताली बजाए इनके लिए, धर्मपाल जैन नारनौल। और वास्तव में ये परिवार जो आज जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, ये परिवार वास्तव में अगर देखा जाए तो संस्थापक सदस्य बनने के योग्य है। अब मैं तो निवेदन करता हूं कि अगर उनका मन हो तो आज उद्घोषणा के साथ ये भाव जग जाए। अभी अभिनंदन तो कर ही रहे हैं, बोले तो जोरदार तालियों के साथ अपन अभिनंदन कर रहे हैं ये धर्मपाल जी का परिवार, खारविन से संघ का समाधान का भो स्वामी नमोस्तु इच्छामि। अच्छा, चलिए हम मात्र 2 मिनट के ब्रेक के साथ अपन फिर चलेंगे संघ का समाधान के लिए। मैं ऐसी मां से निवेदन करता हूं, धन्य है ऐसा परिवार जो अपने आप को त्याग के क्षेत्र में आगे ला रहा है और अपने बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार दे रहे हैं, और होना भी यही चाहिए बंधुओं, त्याग से ये सारी दुनिया टिकी हुई है। आए पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंच रहे हैं ये शकुनलता देवी जी का परिवार, धर्मपत्नी श्री धर्मपाल जी, नागरमल जी, नारनौल, बहुत बढ़िया ताली बजाए इनके लिए, धर्मपाल जैन नारनौल आ रहे हैं। मां को विजेंद्र जी से निवेदन करता हूं महाराज श्री के, और सम्मान में मैं निवेदन करूंगा कि महाराज श्री के दोनों पार्श्व भाग में खड़े हों, और
वास्तव में ये परिवार जो आज जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, ये परिवार वास्तव में अगर देखा जाए तो संस्थापक सदस्य बनने के योग्य है। मैं तो निवेदन करता हूं कि अगर उनका मन हो तो आज उद्घोषणा के साथ ये भाव जग जाए। अब ये अभिनंदन तो कर ही रहे हैं, बोले तो जोरदार तालियों के साथ अपन अभिनंदन कर रहे हैं ये धर्मपाल जी का परिवार, श्रीमती शकुंतला देवी जी अभिनंदन ट्रस्टी। चलिए आइएगा, और अब मैं इसी के साथ सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में माननीय मनोज जी और पंकज जी जो दोनों आज ट्रस्टी बने हैं, मैं सबसे पहले मनोज जी को श्रीमती प्रीति जी जैन अक्षत जैन आर्जव जैन जी से मैं निवेदन करता हूं श्री प्लास्टिक कृपया मंच के ऊपर आए, जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आ गए, मैं निवेदन कर रहा हूं आइएगा। मनोज जी, श्रीमती प्रीति जी, अक्षत जी मंच के ऊपर आ रहे हैं, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं विपिन जी जैन दिल्ली में निवेदन करता हूं आए, इनका अभिनंदन करेंगे। कांता दास जी छावड़ा, कालिदास जी छावड़ा मैं निवेदन करता हूं, माननीय कालिदास जी छावड़ा और विपिन जी आ रहे हैं इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे नए ट्रस्टी का। बहुत बढ़िया, आइएगा। और ये वास्तव में मुझे लगता है महाराज जी शायद ही कोई विद्या प्रमाणिक संघ का ऐसा सदस्य होगा जो ट्रस्टी ना हो, एक दो जो बाकी है तो हर बार जब जब आते हैं एक एक करके संपूर्ण विद्या प्रमाणिक संघ जो है वो ट्रस्टी के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है, उनके त्याग की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। वही बंधुओं में आमंत्रित कर रहा हूं श्री पंकज जी जैन, अमित जी जैन, रीना जी, सविता जी, रवि जी जैन दिल्ली से, जिन्होंने अपने आप को आज ट्रस्टी के रूप में जोड़ लिया है, उस परिवार से भी मैं निवेदन करता हूं आए, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं दीपक जी से और नीरज जी से निवेदन करता हूं कृपया आए, आप इनका अभिनंदन करेंगे। भाई नीरज जी से और दीपक जी से निवेदन कर रहा हूं, आइएगा। पंकज जी का परिवार आ चुका है क्या? पंकज जी, अमित जी, अच्छा दोनों सगे भाई, बहुत बहुत बढ़िया, दोनों भाइयों को एक साथ, और विद्या प्रामाणिक संघ ट्रस्टी बने हो, विद्या प्रामाणिक संघ इनका अभिनंदन कर रहा है, बहुत बढ़िया, ये कितना अच्छा दृश्य अपने को देखने को मिल रहा है, आइएगा। और अब इसी के साथ आइए, मैं पूज्य चुल्लक जी के चरणों में चल रहा हूं, आ गए। तो संरक्षक के रूप में प्रमोद जी, गमनलाल जी आ चुके हैं क्या? दीपक भैया, इनका अभिनंदन करें। और तब तक की मैं निवेदन करता हूं जिन्होंने आज अपने आप को ट्रस्टी से संरक्षक में अपने आप को परिवर्तित कर लिया है, और धीरे धीरे सने सने जो कि प्रमोद जी, गमनलाल जी यहां पर उपस्थित है, मैं निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आ जाए, और जो और इनका अभिनंदन करने के लिए दीपक जी, नीरज जी मैं निवेदन करता हूं आए, और शरद जी भी है यहां पर, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, अगले क्रम में उनका ही बुला रहा हूं मैं। तब तक अभिनंदन कर रहे हैं हमारे नए संरक्षक जो कि पूर्व में ट्रस्टी थे, अब पर्याय बदल चुकी है, और अब संरक्षक से शिरोमणि संरक्षक की बात होगी, अभी तो अभिनंदन कर ही रहे हैं श्रीमान प्रमोद जी, गमनलाल जी, सौ संध्या जी, सौ स्नेहा जी, रवि जी, गांधी धूलिया महाराष्ट्र से, जोरदार ताली बजा करके मैं और इनके अभिनंदन में निवेदन करता हूं हमारे गुणायतन ट्रस्टी माननीय कीर्ति जी दिल्ली से निवेदन करता हूं, इस अभिनंदन में आपकी सहभागिता होवे, माननीय कीर्ति जी दिल्ली से निवेदन करता हूं कृपया आइएगा, इनका अभिनंदन जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। बेटा मृणाल भी हो तो साथ में मम्मी के माँ के साथ आ जाए, बहुत बढ़िया। चलिए, और अब मैं आवाज दे रहा हूं बंधुओं जिन्होंने अपने आप को ट्रस्टी नहीं, संरक्षक नहीं, अपने आप को शिरोमणि संरक्षक के रूप में परिवर्तित कर लिया है, सर्वोत्कृष्ट पद पा लिया है गुणायतन में आकर के, मैं ऐसे शिरोमणि संरक्षक
श्रीमान विकास जी जैन, श्रीमती अंजू जी जैन, राहुल जैन, अविशी जैन, निशिका जैन, दिल्ली वालों से निवेदन करता हूं कृपया आए। इनके चेहरे की भव्यता ही श्रवणी की बता रही है, आइएगा। और मैं इनके अभिनंदन करने के लिए विद्या प्रामाणिक संघ के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं आए और सारे सदस्य मिलकर के एक साथ इनका अभिनंदन करेंगे। वो सभी लोगों को मैं बुला रहा हूं, शरद जी है, नीरज जी है, दीपक जी है, विपिन जी है, सभी लोग एक साथ मिलकर के, पूरे भाई एक साथ मिलकर के हमारे शिरोमणि का अभिनंदन कर रहे हैं। पुनः पुनः जो देखो तुम्हारी तालियां तो बजनी चाहिए। सोचो शिरोमणि पद पर जिन्होंने पहुंच करके अपने जीवन को समर्पित किया है गुणायतन के लिए, उनका हम अभिनंदन करें। और अब वही मैं आवाज दे रहा हूं, आज एक और शिरोमणि जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ लिया है और वो भी विद्या प्रामाणिक संघ से है। लीजिए बंधुओं, ऐसा लगता है कि ये गुणायतन विद्या प्रामाणिक रूप हो जाएगा और वास्तव में जिसमें विद्या और प्रमाण दोनों का आशीर्वाद हो वो तो होना ही है। तो आइए मैं राजीव जी जैन, श्रीमती मीनाक्षी जी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, गणपति अपार्टमेंट, अलीपुर रोड, सिविल लाइन, दिल्ली, जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। राजीव जी, श्रीमती मीनाक्षी, कावेरी जी, उदय जी जैन, कृपया आए और जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। श्रोमणि के रूप में हमारे बीच में है। और अब मैं निवेदन करता हूं इनके अभिनंदन करने के लिए। मैं माननीय हमारे गुणायतन के सीईओ माननीय सुभाष जी और एनएल जैन साहब से निवेदन करता हूं, कृपया आइएगा और श्रोमणि का अभिनंदन करेंगे। साथ ही हमारे जिन्होंने आज लाड़ू चढ़ाया है ऐसे हमारे माननीय सुनील जी अजमेरा यहां पर उपस्थित है, गुणायतन टीम मिलकर के इनका अभिनंदन करेगी। और साथ ही मैं हमारे राजकुमार जी अजमेरा अध्यक्ष सेवायतन में उनसे निवेदन करता हूं, कृपया आए, हमारे नए शिरोमणि का आपके द्वारा अभिनंदन हो गए। पूरे की पूरी गुणायतन टीम यहां मिलकर के उनका अभिनंदन करेगी। जोरदार जोरदार कल करूं, 1 2 3 स्टार्ट। बंधुओं, मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में विद्या प्रामाणिक संघ जो कि दिल्ली से अपनी पूरी टीम के साथ यहां उपस्थित है। लगातार 3 दिनों तक हजारों हजार यात्रियों को जो यहां पर निःशुल्क भोजन करा रहे हैं, मैं उस टीम से निवेदन करता हूं आज अपना प्रथम प्रश्न पूज्य श्री के चरणों में रखेगा। विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली, श्री विद्या प्रामाणिक परिवार संघ परिवार का गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, भोजनशाला तो हम 8-10 वर्षों से लगाते आ रहे हैं, लेकिन जो इस बार हमने भोजनशाला लगाई और जो प्रत्येक सदस्य को इतनी सुख और शांति की अनुभूति हुई उसका शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते। गुरुदेव, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमने भोजन तो बनाया 5-10 हजार आदमियों का और जब हमारे सदस्यों ने देखी कि लाइन 13 पंक्ति तक पहुँच रही है तो सब सदस्यों के मन में घबराहट हुई कि भोजन पूरा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई फिर भी भोजन बचा रहा। तो ऐसी कौन सी रिद्धि थी गुरुदेव, ये आपका कौन सा ऐसा आशीर्वाद था कि भोजन की कोई कमी नहीं पड़ी? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से विद्या प्रामाणिक संघ के इन सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करो, पुनः एक बार अभिनंदन करो। ये अभिनंदन इनके उत्साह के वर्धन के लिए है, लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। किसी को भोजन कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरे परिवार को लगाकर भोजन कराना बहुत बड़ी बात है। आज विद्या प्रामाणिक संघ के जितने सदस्य हैं सब जन बच्चों के साथ यहाँ उपस्थित हैं और ये सब बड़े उदार और समर्थ लोग हैं। आज विद्या प्रामाणिक संघ के 2 सदस्य शिरोमणि संरक्षक के रूप में भी आए, उनमें भाई राजीव है और दूसरे विकास, आगे आ जाओ थोड़ा, दोनों का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। आज विद्या प्रामाणिक संघ के 2 सदस्य पंकज और मनोज, आगे आ जाओ, दोनों भाई हैं, ये ट्रस्टी भी बने हैं और जितने खड़े हैं वो सब ट्रस्टी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये सारे कार्यकर्ता
बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं, दिल्ली में रहते हुए भी ये लोग हर काम को बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं। यहाँ का कोई भी काम इन तक पहुँचता है, सब निश्चिंत हो जाते हैं कि इन तक काम पहुँचा तो हो ही जाना है। मैं इन सबको इस भाव से आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही लगे रहो, धर्म की प्रभावना में, जिन शासन की सेवा में अपने तन मन और धन का जितना उपयोग हो सके उतना करते रहो। और तुम लोगों ने बोला ये कौन सी रिद्धि है, मैं एक ही बात जानता हूँ, जिसके घट में उदारता होती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिसके घट में उदारता होती है उसका घर सदा भरा रहता है। तो अपने घर को भरा रखना चाहते हो तो क्या करना है, उदारता को अपना कर चलो और एक सूक्त को अपने जीवन का मंत्र बना लो, उन्नतम मानसम यश्च भाग्यम तस्य समुन्नतम, उन्नतम मानसम यश्च भाग्यम तस्य समुन्नतम, जिसका मानस ऊंचा है उसका भाग्य भी ऊंचा होता है। इसलिए मन ऊंचा बना के रखो, भाग्य ऊंचा होगा। बार बार ये लोग आग्रह कर रहे, महाराज पंचकल्याणक के लिए भी पूरी व्यवस्था हम लोगों को दीजिए, पंचकल्याणक में लाखों लोग आएंगे तो भी हम व्यवस्था संभाल लेंगे। अभी मैंने स्वीकृति नहीं दी, क्या दिक्कत है। मैंने इन लोगों से कल चर्चा में कहा, भैया तुम लोग कर तो रहे हो पर पता है तुम 20-25 लोग हो, किसी और से विशेष सहयोग लेते नहीं, तो तुम लोगों पर भार ना हो जाए। तो शरद और नीरज दीपक विपिन चारों मेरे पास थे, बोले महाराज आशीर्वाद दो, हमारे ऊपर कोई भार नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है इनकी भावनाएं बता रही है कि इनका पलड़ा बहुत भारी होता जा रहा है। आप अपना पुण्य बढ़ाओ, अभी समय पूर्व तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन लक्षण ऐसे दिखते हैं कि शायद पलड़ा तुम्हारा भारी होगा। लगे रहो, आशीर्वाद। आज की जय जय जय। चलेगा। और अब हम सीधे सीधे प्रत्यक्ष प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। गुरु महाराज, हाँ, गुरु महाराज के चरणों में मेरे प्रमाणिक संघ की तरफ से सिर्फ एक लाइन गुरु चरणों में समर्पित है। बोलो बोलो बोलो। गुरु जी लाज रखना मेरी, एक साथ हो जाओ। हाँ बोलो बोलो भाई। कहते हैं जिस जीवन में गुरु यही क्या, अच्छा अच्छा, कहते हैं जिस जीवन में गुरु नहीं वो जीवन महत्वहीन ही है, इसलिए जीवन के अंदर गुरुओं का होना बहुत सौभाग्यशाली बात तो है ही है, और उनका सिर पे अगर हाथ रहे तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो क्या कहते हैं, हर किसी को नहीं मिलते गुरुवर इस जहां में, हर किसी को नहीं मिलते गुरुवर इस जहां में, खुश नसीब है हम, हमको है मिले गुरुवर इस जहां में, हर किसी को नहीं मिलते गुरुवर इस जहां में, गुरुवर इस जहां में। चलेगा। और प्रथम प्रश्न के लिए श्री मुकेश जी बड़ाघर विदिशा शीघ्रता से, इसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर आर के जैन सतना दृष्टि गुणायतन। जल्दी। गुरुओं के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि सम्मेद शिखर से 20 हमारे तीर्थंकर मोक्ष गए, लेकिन केवल संकट हरण के लिए हम पार्श्वनाथ भगवान को पूछते हैं, शांतिनाथ भगवान को शांति के लिए पूछते हैं, और शनिव का ग्रह मिटाने के लिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान को पूछते हैं, तो क्या हमारे बाकी के तीर्थंकर कुछ नहीं करते क्या हमारा, ऐसी लोगों का कहना है गुरुदेव।
ऐसा है, जो लोग ऐसा भाव रखकर पूछते उनने भगवान को जाना ही नहीं। जो सच्चे अर्थों में भगवान को जानेंगे वो भगवान को पूजेंगे और किसी के लिए नहीं पूजेंगे। हमारे गुरुदेव ने एक दिन कहा था, अरे ग्रह की शांति के लिए मत पूजो, परिग्रह की शांति के लिए पूजो, जीवन हमारा धन है। ठीक है ना? इसलिए भगवान को पूजो और ये मान करके चलो सब भगवान समान हैं और तुम जिसको भी पूजोगे वही लाभ होगा। नमोस्तु। डॉक्टर आर के जैन सतना ट्रस्टी गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे श्री अभिषेक जी कटनी, अनिमेश जी कटनी। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन जैन का आज मेरा क्वेश्चन नहीं, मेरी धर्म पत्नी का क्वेश्चन है। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। ये ऐसा है वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वह खुद कैसा है। इस आपाधापी में दूसरों को देखते देखते जीवन व्यतीत हो जाता है और खुद को नहीं देख पाता। इसके लिए महाराज जी आप बताइए। यही तो ये मनुष्य की विशेषता है, दूसरे को देखते रहो खुद को मत देखो, तभी तो संसार में भटकेगा। जिसको संसार में भटकना है वो दूसरों को देखता है, और जिसको संसार से पार उतरना है वो खुद को देखता है। हम तय करें हमें क्या करना है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। हाँ श्री अनिमेश जी कटनी, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी जैन, सुबोध जी जैन, दिलीप कुमार जी जैन, विनय जी, संजय जी, भोपाल। गुरुदेव के चरण में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जनरेशन को अगर हमारे माता पिता अभिषेक पूजन करने बोलते हैं तो या तो हम उसको कल पे डाल देते हैं या उनकी खुशी के लिए बस हाँ बोल देते हैं। पर गुरुदेव, हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सोच ये है कि भाई अभी तो हमारी उम्र मौज मस्ती करने की है, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा, और इस सेंटेंस का बाकी युवा वर्ग पर भी असर पड़ता है। तो गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि ऐसे लोगों से हम ऐसी लोगों की बातों में हम ना आए एवं दोनों चीज़ों में तालमेल बैठा पाए। नमोस्तु। देखिए बहुत अच्छी बात है, माता पिता यदि अभिषेक पूजन के लिए कहते हैं तो ये उनकी बहुत अच्छी सलाह, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। बच्चे यदि माँ बाप की बात को स्वीकार लेते हैं तो अति उत्तम है, पर कदाचित स्वीकारते नहीं हैं और हाँ बोल देते हैं तो मैं इसे भी बुरा नहीं मानता। कम से कम माँ बाप के मुँह पर ना करके उनका मान तो खंडित नहीं करते हैं। मैं एक सलाह दूंगा, बड़ों की बात स्वीकारो अथवा मत स्वीकारो, पर नकारने की आदत से बचो। बड़ों की बात को नकारोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्वीकारो न स्वीकारो वो सेकेंडरी बात है। फिर अगर उनकी कोई अच्छी बात है तो उसे स्वीकारने में एक पल का विलंब नहीं करना चाहिए। माँ बाप यदि तुम्हें कोई भी रिचुअल अपनाने की बात कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं कि बुरे के लिए कर रहे हैं? तुम देखो, भले के लिए कर रहे हैं, इसमें मेरी भलाई है तो मुझे करना है। इसलिए माँ बाप की बात को, अच्छी बात को तुरंत स्वीकारना चाहिए, कभी नहीं टालना चाहिए, ये मेरे कल्याण का कारण होगा। दूसरी बात जो बच्चे कहते हैं, ये सब तो बाद में भी किया जा सकता है, अभी तो मौज मस्ती के दिन हैं। तो भैया 24 घंटे मौज मस्ती करते हो क्या? बोलो। हाँ नहीं, बच्चे से पूछो। और जब 24 घंटे मौज मस्ती नहीं करते तो अगर 24 घंटे में 24 मिनट भगवान की सेवा में लगा दिए, बाकी जो समय बचा उसको मौज मस्ती में बिता दो, तालमेल बन सकता है कि नहीं? फिर दूसरी बात, तुम कहते हो बाद में देख लेंगे, बात को किसी ने देखा है क्या? एक बार एक ने कहा बुढ़ापे में देखूंगा, मैंने कहा तू बुढ़ापा देखेगा इसकी निश्चिंता है क्या, गारंटी है? बुढ़ापे में देखूंगा, तू बुढ़ापा देख पाएगा ये पक्का हो तो मैं जानू। न कल का भरोसा है न पल का भरोसा है, है ना? एक पल का भरोसा नहीं, फिर इस तरह की बातें सिवाय बहाना के और कुछ नहीं है। जीवन की वास्तविकता को समझो और जो करना है समय रहते करो, बाद में कुछ करने लायक बचना बहुत मुश्किल है। प्रमोद जी, शोभा जी, दिलीप जी, विनय जी, संजय जी, पुट्टामिल, भोपाल, एक साथ हो जाएं सभी खड़े।
आपके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी मुगावली। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका है। हम लोगों ने भोपाल में शांति नगर में एक मकान खरीदा है, उस मकान में हमने चैत्यालय का निर्माण किया है। अब उस मंदिर को हम पुनर्निर्माण करवाएं या उसी में मंदिर की स्थापना करते हैं, पूरी शुद्धिकरण हम लोगों ने अच्छी तरह से करी है। देखिए, मकान खरीदा है मंदिर के पर्पज से, तो यदि उसे एक चैत्यालय के रूप में रखते हो और छोटी प्रतिमा रखते हो तब तक तो स्वीकार। लेकिन उस मकान में अगर बड़े बिंब अचल बिंब स्थापित करते हो तो उसको पूरी तरह से मंदिर के रूप देना चाहिए। अब मकान का स्ट्रक्चर आदि देख करके कुछ रिनोवेशन करके किया जाए तो ठीक है, लेकिन मंदिर के वास्तु के अनुरूप सारा काम होना चाहिए। मकान में तो छोटे छोटे कमरे होते हैं, कमरों में मंदिर कैसे बनेगा? अंदर हम लोगों ने रिनोवेशन करके उसको हाल करो, किसी विशेषज्ञ से सलाह ले लो, वो ओके करे तो कर सकते। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सोनिया दीदी मुगावली, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिमेश जी साड़म। मंच पर आसीन दुई मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। मंच पर आसीन सभी चरणक जी के चरणों में एक चामी। महर्षि, कभी कभी ऐसा देखा है अपनी गलती ना होते हुए भी सामने वाला अपन को चार बातें सुना जाता है, अपन सहन कर लेते हैं, थोड़ा गुस्सा भी आने लगता है, भावों में थोड़ा ऐसा भी आ जाता है, तो हम सामने वाले को निमित्त को दोष देंगे या अपना कर्म का उदय मानेंगे? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, किसी ने मुझे कुछ गलत बोला और मैंने उसे अनसुना किया तो मेरा कुछ खोएगा क्या? नहीं खोएगा। और सामने वाला कुछ पाएगा क्या? उसने गलत बोला, क्या पाया? सामने वाले का नुकसान होगा। क्या होगा? उसका कर्म बंधेगा। और हमारे लिए क्या होगा? लाभ होगा। क्यों? मेरे कर्म कटेंगे। बस इतनी सी दृष्टि अपना लो, सब बातों को सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। जो बोल रहा है उसको पाप का आश्रय हो रहा है, और जो चुपचाप सुनकर अनसुना कर रहा है वो अपने पाप को काट रहा है। छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रियाएं देने वाले लोग सदैव अशांत रहते हैं। अपने आप को उस अशांति से मुक्त करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। अनिमेश जी शाड़म गोमिया, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती आशा जी विनायका हजारीबाग। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी अभी मैं कॉलेज जाना शुरू किया हूँ, तो हाँ एक स्टेटमेंट सुना हूँ लोगों से कि बीइंग इन रिलेशनशिप विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम करियर। तो और ये कहते हैं कि अगर रिलेशनशिप या किसी भी चीज़ में रहने से अगर तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो तो माँ बाप का जो प्यार है वो तो फिर वो क्या है? उससे हमें तो और प्रेरणा मिलती आगे बढ़ने की, तो इसमें क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? माँ बाप के प्यार से और रिलेशनशिप में बड़ा अंतर है। माँ बाप का जो प्यार होता है उसमें वात्सल्य झलकता है, और जिसको तुम रिलेशन मानते हो उसमें वासना प्रकट होती है। दोनों को समान के समान, वात्सल्य और वासना को समान मानना, अपने जीवन को गर्त में गिराना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये आज की अंधी सोच की उपज है, हमें इन सबसे बचना चाहिए। अट्रैक्शन दोनों तरफ है, लेकिन दोनों का अट्रैक्शन एक सा नहीं है। माँ के वात्सल्य से आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है और जीवन को पोषण मिलता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जो हमारा झुकाव होता है, खासकर तुम जैसे युवाओं का, वो जो अट्रैक्शन है ना, वो अट्रैक्शन यौवन जन्य आकर्षण है, उसमें प्रेम जैसा कुछ नहीं होता, विशुद्धतया वासना का पुट होता है। और जिस मनुष्य के चित्त में वासना हावी होती है वो मनुष्य मनुष्य रह ही नहीं पाता, तो मनुष्य के रूप में मैं बोल नहीं सकता, जानवर से भी बुरा हो जाता है। इसलिए इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान रख मत दो। माँ माँ होती है, माँ का स्थान संसार में कोई नहीं ले सकता।
इसलिए माँ के प्यार से किसी की तुलना करना ही नहीं चाहिए। ये तो उन मूर्खों के दिमाग की उपज है जिसने मानवीय मूल्यों को जाना ही नहीं, जिनके लिए माँ माँ नहीं केवल जन्म देने वाली है। अरे इससे अच्छे तो वो पशु पक्षी हैं जहाँ माँ खुद की जान लगा देती है पर अपने बच्चे को बचाने के लिए तत्पर रहती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत डिस्कवरी में और वीडियोज में कि अगर कोई शेर झपटता है तो हिरनी खुद की जान दे देती है, बफेलो खुद की जान दे देती है, बच्चे को बचाती है। ऐसा कोई करेगा क्या जिसके साथ रिलेशनशिप रखते हो? ये सब अंधा दृष्टिकोण है, समझ गए? और मैं तुम्हारे माध्यम से सभी युवाओं को एक सलाह देना चाहूँगा, किसी प्यार के चक्कर में मत पड़ना, किसी के प्यार के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर टूटा हुआ है। प्यार का मतलब है टूटा हुआ यार। और टूटा हुआ यार है, प्यार में पड़ने तक तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब प्यार में फंसते हैं तब समझ में आता है मैं तेरे प्यार में पागल। वो पागल ही है, उसको उस पागलपन का पहले अगर समझ में आ जाए तो ऐसा काम करे ही नहीं, समझ गए? इसलिए इन सब चीजों से दूर रखो। हम हिल मिल कर रहें लेकिन अपनी मर्यादाओं को कभी खंडित ना करें। हमारा लक्ष्य पढ़ाई का है तो पढ़ाई करने के लिए ही इसको प्रमुखता दे, बाकी चीज़ों में लगोगे तो अपने जीवन के मूलभूत लक्ष्य से भटक जाओ। श्रीमती आशा जी विनायका हजारीबाग, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री शशांक जी शेखर गया। नमोस्तु महाराज श्री इक्ष्वामी महाराज। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि सभी ये प्रेरणा देते हैं बेहतर करो बेहतर करो बेहतर करो, लेकिन किसी वो अपना खुद भी नहीं चाह पाते कि वो बेहतर उनसे हो पाए। ये उनकी अंदर से प्रवृत्ति रहती है, बेहतर होने की तो परिभाषा ज़रूर देते हैं लेकिन उनसे बेहतर नहीं हो ये उनके मन में वृत्ति फंसी हुई रहती है, तो ऐसा क्यों महाराज? उनसे बेहतर ना, देखो इसमें दो दृष्टियाँ, एक तो बेहतर करो बेहतर करो बेहतर करो की बात कहने वाले लोग दुनिया में इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि कहावत पुरानी है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने वालों की भरमार है। इसलिए बेहतर करो बेहतर करो बेहतर करो, जो कहता है बेहतर करो वो क्या कर रहा है थोड़ा नज़र करो। अच्छा क्या बात है। और दूसरी बात, अगर कोई बेहतर कर रहा है किसी से प्रेरित होकर और सामने वाला सोच रहा है कि वो मुझसे बेहतर ना करे, तो मैं कहूँगा ऐसा व्यक्ति बेहतर करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे व्यक्ति के लिए बेहतर करने का उपदेश देने की जगह बेहतर बनने का उपदेश देना चाहिए। बेहतर करो ना करो बेहतर बनो। और बेहतर कौन बनता है? जिसकी सोच बेहतर हो, जो सामने वाले से अपने को आगे बढ़ता देखता है। मैं एक सृष्टि के फैक्ट्री में रुका, उनने उस दिन अपनी पूरी फैक्ट्री को बंद रखा, 300 स्टाफ थे उनके, सारे कर्मचारी फोर्थ क्लास से लेकर सब सबको बिठाया प्रवचन कराया। मैंने उनसे पूछा ये बताओ आप इनके बारे में क्या सोचते हो, बोले महाराज सबको मुझ जैसा बनने का आशीर्वाद दे दो। क्या बात है। फोर्थ क्लास कर्मचारी है, उसके लिए भी वो सेठ सोच रहा है कि महाराज इन सबको मेरे जैसा बन जाने का आशीर्वाद दे दो। ये है बेहतर बनने का उदाहरण। आप सोच सकते हैं ऐसी सोच? ध्यान रखना, घटिया सोच से बढ़िया जीवन नहीं जिया जा सकता। अगर बेहतर जीवन जीना चाहते हो तो बेहतर सोच बनाए, बेहतर सोच का ही
बेहतर परिणाम आता है। श्री शशांक जी शेखर गया गौरक्षक, जिन्होंने हजारों गौ माताओं की रक्षा की हुई है, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री राकेश जी सर्राफ बीना दृष्टि गुणायतन। ओ महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, ये धर्म अधर्म की लड़ाई जो हम रोज लड़ते हैं, इसमें विधर्मियों से तो हम लोग बहुत आसानी से निपट लेते हैं और अपेक्षाएं भी नहीं होती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जिनसे इस धर्म अधर्म की लड़ाई में सर्वाधिक अपेक्षाएं होती हैं, सर्वाधिक तकलीफ उन्हीं से मिलता है, और फिर हम उतनी सख्ती के साथ निपट भी नहीं पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कैसे करें? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा शशांक जी शेखर, उनके साथ उनकी पूरी टीम, और ये महंत जी जो आपके बीच खड़े हैं, गया के महंत हैं, उनके साथ तुषार भाई भी थोड़े खड़े हो जाओ, तुम्हारा भी परिचय लोगों से हो जाए, सब एक साथ सामने आ जाओ। ये पांचों की टीम बहुत ही मजबूत टीम है, और ये लोग जीव दया और गो रक्षा के लिए प्राणपन से समर्पित हैं। अपने प्राणों की बाजी लगाकर गो रक्षा के कार्य में इनने जो तत्परता दिखाई है वो बहुत ही अनुकरणीय है। इनके साथ देवेन जी अजमेरा गया वाले, आप भी उसी टीम में चले जाओ। इन लोगों ने विश्वनाथ फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन बनाकर गया में गौशाला की शुरुआत की है, और उसमें महंत जी ने अपने मठ की एक विशाल भूमि इसके लिए प्रदान की है। अभी 300 गोवंश वहाँ है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं इन सबको आशीर्वाद दूंगा कि अपने इस अभियान में लगे रहो। बाकी जब तुम पूछते हो कि हम अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं, तो हमारे अपने ही हमारे साथ ऐसा चुनौतीपूर्ण व्यवहार करते हैं, उनसे हम कैसे बचे? देखो भाई, ये तो स्वाभाविक है, समझे? जब सड़क पर चलते हैं, सैकड़ों कांटे होते हैं, कंकड़ होते हैं, कोई नहीं चुभता, पर जो कंकड़ हमारे तुम्हारे जूते के अंदर घुस जाता है, बहुत ज़्यादा चुभता है, समझ गए? तो मैं इससे बचने का उपाय यही बताऊँगा, जूता पहनकर चलने की आदत छोड़ दो, नंगे पांव चलना शुरू कर दो। जूते पहने रहोगे तो कंकड़ घुसते रहेंगे, और कंकड़ घुसेंगे तो चुभते रहेंगे, समझ गए? बस अपने आप को मजबूत बनाओ, कोई कितना भी बोले, और एक बात सदैव ध्यान रखना, मारने वालों से बचाने वालों का हाथ बड़ा होता है। हाँ, श्री राकेश जी सर्राफ बीना दृष्टि गुणायतन। नमस्तु, नमस्तु महाराज। आगे तैयार रहेंगे सुनीता जी, कमल कुमार जी जैन, सैपरा भिटोनी। नमोस्तु गुरु जी, नमोस्तु, नमोस्तु गुरु जी। मेरी एक शंका है, संस्थाओं में ट्रस्टी और पदों पर रहना और उसके बाद में लोग उनका विरोधाभास करना, ऐसी स्थिति में संस्थाओं के पदों पर रहना ठीक है क्या? देखिए, किसी भी संस्था में रहना बहुत अच्छी बात है, पदों में रहना भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी संस्था में हैं और पद में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप संबद्ध संस्था के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में होता है तो उसके साथ अनेक प्रकार की छींटाकशी होती है, आलोचना प्रत्यालोचना होती है। ऐसी आलोचना प्रत्यालोचना से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। यदि आप कि आलोचना सही है तो अपना सुधार करना चाहिए, और आलोचना गलत है तो नज़रअंदाज करना चाहिए। हाँ, लेकिन खुद हमारा चित्त राग द्वेष में उलझ रहा है तो अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, औरों को अवसर देना चाहिए। लेकिन मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि थोड़ी सी आलोचना से पीड़ित होकर के तुम किसी को भी जिम्मेदारी मिली और जो अच्छा है, योग्य आदमी है, वो संस्था से दूर भागे। आजकल ऐसा ही हो रहा है, लोगों की आलोचनाओं से पीड़ित होकर अच्छे लोग दूर हो रहे हैं, और बुरे लोगों के हाथ में साम्राज्य आ रहा है, सत्यानाश हो रहा है। तो बोलने वाले को बोलने दो, उनकी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित मत हो। बस देखना यह है कि मैं अपने दायित्व के प्रति ईमानदार हूँ कि नहीं, मैं जो मेरा दायित्व है उसे सही तरीके से निभा पा रहा हूँ कि नहीं। यदि निभा रहा हूँ तो मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं निभा पा रहा हूँ तो मुझे बहुत कुछ सोचना चाहिए, फिर किसी और लोगों को
दायित्व सौंप देना चाहिए। नमोस्तु गुरु जी। सुनीता जी, कमल कमाल जी जैन, शैफरा भिटोनी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आगे तैयार रहेंगे श्रीमती पुष्पा जी, श्री पंकज जी, श्री अक्षत जी जैन, दिल्ली दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज श्री। हमारा प्रश्न है कि हमें ऐसी कौन सी भावना भाए या पुण्य बनाए जिससे हमारे कर्म कटे और व्रति बनकर आपके चरणों में समाधि मरण कर सके। महाराज नमोस्तु महाराज जी। कर्म कटे और व्रति बन करके समाधि मरण कर सके, बहुत अच्छी बात है। बस रोज भावना भाव कि मुझे व्रति बनना है और समाधि करना है, मुझे व्रति बनना है, समाधि करना है, दोनों चीजें हो जाएगी। चलिए श्रीमती पुष्पा जी, पंकज जी, अक्षत जी चलेगा सीखता के साथ। चलिए हाँ, बीना जैन, बलबीर नगर, दिल्ली, जिनका भी नाम ले रहे हैं शीघ्रता से। नहीं, अगला बोलो। श्री अमित नेमीचंद जी जैन, नागपुर, शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीलमा जैन, बालाघाट। महाराज जी को मेरा, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु, छुल्लक जी को यथायोग इच्छा भी। महाराज जी, एक शब्द सुनने में आता है गृहस्थाचार्य, तो क्या ये आगम सम्मत है? अगर है तो कौन हो सकता है और उनके कौन से गुण होते हैं? गृहस्थाचार्य शब्द आगम में आता है और गृहस्थाचार्य से मतलब एक प्रकार से जो गृहस्थों के विधि विधान के कार्यों को संपन्न करता है। यदि हम प्रतिष्ठाचार्य को गृहस्थाचार्य की संज्ञा दे तो दे सकते हैं। पुराने जमाने में ऐसा होता था, गुरुकुलों में लोग पढ़ लिख करके आते थे और जो गृहस्थ बनते थे उनको सब धार्मिक संहिताओं का ज्ञान होता था। अब गृहस्थों के जो भी छुटपुट कार्य होते थे वो एक प्रकार के समाज के पुरोहित जैसा होता था और वो सर्वमान्य होता था। उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही बड़ा संयमी और नैतिकता और सदाचार से युक्त होता था, तो वो बन सकता। नमोस्तु महाराज। श्रीमती नीलमा जैन, बालाघाट, आप अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व हम एक बार पुनः आपके लिए बतला दें बंधुओं, इस वर्ष कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना पावन सिद्ध भूमि में करने का सौभाग्य आपके हाथों में होगा। 20 नवंबर से 27 नवंबर तक 108 मंडली सिद्धचक विधान के माध्यम से, और उसमें आप अपना मंडल का सौजन्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस विधान के मुख्य पुण्यार्जक गुजरात वक्सरा से श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी, वंदना लघानी परिवार हैं, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं। और आप अगर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 2,11,000 रुपए की राशि में आप अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ में विधान का पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें समिति की ओर से भोजन, आवास, वस्त्र और विधान की द्रव्य सामग्री की व्यवस्था प्रदान की जाती है। नाम कल से ही आना प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन हम आने वाले दिनों में उन नामों की घोषणा करेंगे। लेकिन आप शीघ्र अपने नाम के माध्यम से इन मंडलों को पुण्यार्जक के रूप में सुरक्षित कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी इनके स्थान भर जाते हैं और बाद में अगर आप सोचते रह जाएंगे तो आपके लिए यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। श्रीमती नीलमा जी जैन, बालाघाट, अपना प्रश्न रखें और आगे तैयार रहेंगे नित्या रोशनी राहुल युगान जैन, विदिशा। जल्दी महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु, 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 इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। भगवान ना रागी होते हैं ना द्वेषी होते हैं, हम ना वो किसी को कुछ देते भी नहीं है, लेते भी नहीं है, फिर भी हम कुछ मांगते हैं तो हमारी इच्छाएं पूर्ति की पूरी होती है। तो महाराज जी, वो कौन सी शक्ति रहती है जो हमें हमारी इच्छा फुलफिल करती है? हमारे हृदय की विशुद्धि, भगवान के निमित्त से हमारे हृदय में विशुद्धि होती है, उस विशुद्धि से शुभ कर्म बनता है, अशुभ कर्म फल नष्ट होता है, तो हमारी इच्छाएँ फल जाती है। इसलिए भगवान निमित्त है और निमित्त रूप भगवान को हम विशेष रूप से अपना बहुमान देते हैं, उनके ऊपर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। दीजिए जल्दी पीछे, पीछे माइक दे दें सीता के साथ। नित्या रोशनी राहुल लगान जैन, विदिशा, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री शकुन जी, बुखारिया, वीना। महाराज जी, मेरा नाम बोला था पहले, बोल दो। बोलिए, जब तक बोलिए। रे मुनि राज के चरणों में नमोस्तु, 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 एलक जी और छुलक जी के चरणों में इच्छामि, इच्छामि। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, एक दर्पण अपनी कवालियत कभी नहीं बदलता, एक दर्पण अपनी कवालियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वो दो टुकड़ों में विभाजित हो या हजार टुकड़ों में, ऐसा हम क्या करें जो दर्पण की तरह बन सके? हमारा
स्वभाव का दर्पण जैसा हो जाए तो हम भी अपनी काबिलियत नहीं बदलेंगे। दर्पण सबको अपनाता है, प्रभावित किसी से नहीं होता। बस ऐसा गुण अपने भीतर प्रकट कर लो, कितने भी टुकड़े हो गए बने रहोगे। चलिए नमस्कार। ओ मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। विद्या शीतल पाठशाला के भी नमोस्तु। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि मैं आज 8 साल की हो गई हूँ और जैन भी बन गई हूँ, मैं आगे धर्म में और मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ती चलूँ? और मैं 8 साल की हूँ, मेरा आलू प्याज आदि अवक्ष भोजन का नियम है, त्याग है, और रात्रि भोजन भी नहीं करती हूँ, और नियम से कैसे पालन करूँ? नमोस्तु महाराज। बहुत बहुत अच्छी बात इस व्यक्ति ने कही है। आज 8 वर्ष की उम्र होते ही इसने 8 मूल गुणों को धारण किया। मुझे सुनकर के बेहद प्रसन्नता है कि इस छोटी सी बच्ची आलू प्याज नहीं खाती, रात्रि भोजन का त्याग करती है, और मुझे इसकी माँ ने बताया रोज भावना योग भी करती है। करती है ना? हाँ हाँ महाराज, रोज भावना योग करती है। शायद उसका ही यह प्रताप है, और ये उसकी माँ के संस्कारों का फल है। हर माँ अपने बच्चों को इसी तरीके से तैयार करे ताकि बच्चे धर्मनिष्ठ चरित्रनिष्ठ होकर के आगे बढ़े, उन्हें कहीं किसी प्रकार का अवरोध न हो, अपने जीवन को बेहतर बना सके। ऐसे ही लगे रहो, जो नियम लिया है उस पर दृढ़ रहना, और एक लक्ष्य रखना कि मुझे धर्म करना है, अधर्म नहीं। चलिए नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जो आज की किटी पार्टियों में हाउजी खेली जाती है पैसों में, वही आज मंदिर के बीच में भी खेली जाती है, तो उसमें कोई पाप का दोष लगता है? इस तरह के खेल नहीं खेलने चाहिए, सब पाप के कारण है। ठीक है, चलिए। शकुन जी बुखारिया वीना मध्य प्रदेश, माइक दे जल्दी से भेजे। आपके बाद तैयार रहेंगे नेमीचंद जैन सैलू महाराष्ट्र। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी वीना से बुखारिया परिवार की तरफ से नमोस्तु और छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी मेरा सत्वार सूस्त से प्रश्न है कि जम सक तम की रही जम चरण सक दहे सदम सदय माड़ो जीवो पावे अजरामणम ठाणम। इसका मुझे अर्थ समझ की जय शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे ध्यान श्रद्धावान अजर अमरपद भोग वेशी का अनुवाद है। जितना बने शक्ति के अनुसार करो, जो नहीं कर सको उसके लिए श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखने वाला भी अजर अमर पद को प्राप्त करता है। चलिए नेमीचंद जैन सैलू महाराष्ट्र आगे तैयार रहेंगे विजय कुमार जी भोपाल। धरती के देवता आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, और सभी शुल्लक जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मंदिर जी में मानस स्तंभ क्यों जरूरी है और उसका महत्व क्या है? मंदिर जी में मानस स्तंभ कोई जरूरी नहीं है, बना ले तो बना ले। समोसरण में मानस स्तंभ होता है, कृत्रिम जिनालियों में मानस स्तंभ होता है, पर मैं मानस स्तंभ बनाने वाले को इतना कहूँगा, किसी भी मंदिर में मानस स्तंभ तभी बनाओ जब मंदिर की मूल लंबाई से कम 1.5 और 2.5 गुना दूरी पर बनाओ, और बाकी जो बनाते हैं वो सदोष होता है, उसमें स्तंभ भेद होता है। श्री विजय कुमार जी भोपाल आगे तैयार रहेंगे दीपेश जैन बेगमगंज। महाराज जी नमोस्तु 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 सभी इच्छामी। महाराज जी आज हम लोगों का कितना सौभाग्य का दिन है कि आज 23 सन और पारसनाथ भगवान का 23वें तीर्थंकर है, कृपया मार्गदर्शन दें। मार्गदर्शन कल से दे रहे, आगे बढ़ो। दीपेश जैन बेगमगंज। चलो आखिरी सवाल, बस यहीं अंत करेंगे। हाँ पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार कोट कोट नमोस्तु। जल्दी से पूछो जी। सभी संघ के चरणों में कोट कोट नमोस्तु। प्रभु जैसे कहते हैं कि एक बार वंदना करने से मनुष्य गति ही मिलती है, और हम जो वंदना कर रहे हैं वो 4-5 हो चुकी हैं, तो क्या उसमें भावों का परिणाम भी तो अच्छा होना चाहिए? भाव सहित जो बंदे जो कोई ताके नरक पशुगति नहीं हो, और भाव रहित बंदे जो कोई ताके निश्चित दुर्गति होए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव। जय नमोस्तु महाराज।